ज्योतिष शास्त्र में ऐसी कई चीजों के बारे में बात की गई है जिनका हाथ से गिरना शुभ नहीं माना जाता। ये घटनाएं व्यक्ति को आने वाले समय को लेकर सचेत करती हैं। ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो समय से सावधान हो जाएं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिनका हमारे जीवन में होना शुभ और अशुभ संकेत देता है। शकुन शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जिनका हाथ से गिरना अशुभ माना जाता है। ये चीजें व्यक्ति के काम बिगड़ने, असफलता या नुकसान होने की ओर इशारा करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन चीजों का संबंध ग्रहों से होता है। आइए जानें किन चीजों का गिरना माना जाता है अशुभ। नमक का गिरना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हाथ से नमक का गिरना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर किसी जातक के हाथ से नमक गिर जाए तो कुंडली में चंद्र और शुक्र खराब होने की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आने का संकेत देती है। इतना ही नहीं, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वहीं किसी बात पर मानसिक तनाव बढ़ेगा। दूध का गिरना। शकुन शास्त्र के अनुसार बर्तन से दूध का गिरना भी अशुभ माना गया है। इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि चंद्र ग्रह गोचर या दशा में खराब है। वहीं दूध गिरना धन हानि की ओर संकेत करता है। किसी जरूरी काम में बाधा आ सकती है, दरिद्रता छाने की इशारा करता है। ऐसे में रसोई में काम करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गलती से भी दूध जमीन पर न गिरे। सरसों का तेल गिरना। ज्योतिष शास्त्र में सरसों के तेल का गिरना भी बेहद अशुभ माना गया है। इसका अर्थ होता है कि शनि देव वर्टिकल बार आपके नाराज हैं। हाथ से सरसों का तेल गिरता है तो समझ ले कि किसी तरह की समस्या आने वाली है। ऐसे में शनि देव की पूजा करनी चाहिए। कोई चोट या दुर्घटना हो सकती है, ऐसे में सावधान रहें। वहीं धनी हानि की भी पूरी संभावना है। सिंदूर गिरना। अगर किसी स्त्री के हाथ से बार बार सिंदूर गिरता है तो ये भी अशुभ संकेत हो सकता है। इसका अर्थ है कि जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जीवन साथी के ऊपर कोई परेशानी आ सकती है। पूजा की थाली। हाथ से पूजा की थाली का गिरना भी अशुभ संकेत ही माना जाता है। इसका मतलब है कि आप पूरी श्रद्धा से पूजा नहीं करते। भगवान आपके किसी बात से नाराज हैं और मेहरबान नहीं हैं। ऐसे में व्यक्ति को पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस दौरान आपको कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।